So, hey, what's up, guys? Welcome back to my new gameplay video. So, guys, आज मैं आ चुका हूँ एक और PUBG Mobile video gameplay लेके. और ये guys पहले से pre-recorded था, मतलब मैं जब खेलता था तब है. जैसे कि आपने पिछले वाले video में देखा कि मैं अब से video नहीं, मतलब मैं खेल नहीं रहा हूँ. अब मैं video डालू कि नहीं डालू, अब मेरे को समझ में नहीं आया. फिर मैं PUBG की नहीं डालूंगा और शायद से मैं फिर दूसरा गेम ही ट्राई करूंगा. और हाँ गाइस, एक चीज़ मेरे को बताना है, ये मैंने जो अभी ये गेम प्ले शूटेड है, ये मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को 60 FPS पे किया है और इसके थोड़ी क्वालिटी वो सब बढ़ाई है. मतलब मैं पहले इतना नहीं करता था, मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेता था जब आया था, तब मेरे को इतना नहीं पता था. पर अब गाइस आप देख देख लेना कि कैसा लग रहा है आपको. ये इधर एक बंदे को नॉक किया, ये इधर फिनिश. मैं भाई बहुत लुटेरा बंदा होगा, इस मेरे साथ खेलोगे तो यही होगा. तो पहले एक बंदे को रिवाइव करा, हमारा 4 नंबर ब्रो. तो भाई बहुत ओपी बंदे है, कवर में जाने की जगह ओपन में जाके ही हो गए ऑफलाइन. बस देखिए आप, मैंने 4x 3x गिरा दिया, मेरे को नहीं चाहिए था. और इसी के साथ 4 नंबर बंदा हमारा गया ऑफलाइन. तो ठीक है भाई, फिर मैं जैसे ही गया भाई, उसका दूसरे टीममेट ने भाई मारा स्प्रे. मैं लिटरली 15 HP में बचा हूँगा. हाँ, तो मेरा एक और दोस्त, मतलब एक और टीममेट दोस्त भाई वॉइस ओवर करना छोड़ दिया था साला. बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ ना, इसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही है. तो इसके बाद इसको पहले रिवाइव किया. और हाँ, फिर वो बंदा क्लोज इन कर लिया था, क्योंकि उसको लगा कि भाई अब एक बंदा बचा है, 2 नॉक है. उसको ये नहीं पता था वो इधर प्रोन था. अब उसको जैसे पता चला, मैंने उससे पहले थोड़ी पहले स्मोक फेंका, लेकिन उसने उसको नॉक कर दिया ऑग से. तो देखिए बंदा स्पॉट. गाइस एक चीज़ बोलूँ, ये जो स्प्रे था वो मैंने किया था एंगल ग्रिप से. लिटरली मैंने एंगल ग्रिप से इतना अच्छा होल्ड कर लिया, पर मैं अब वही यूज़ करने की सोचूंगा अब आगे जब मैं खेलूँगा. वैसे गाइस, मैंने सुना पबजी वापस आ रहा है, कमेंट करके बताओ यार पबजी वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और हाँ गाइस, अगर आपको पीछे बैकग्राउंड वॉइस मतलब थोड़ा जिटर हो रहा है, कुछ वॉइसेस मतलब नहीं आ रही अच्छे से, तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो माइक था, हेडफोन का ही मैं यूज़ करता था, मेरा गेमिंग हेडफोन का जो था. तो फिर उसका क्या हुआ, उसका वायर टूट गया. तो मैंने उसको दिया है बाहर मतलब रिपेयरिंग के लिए भेजा है अभी, तो आ जाएगा, फिर वापस उससे ही करूँगा. लेकिन वीडियो अभी बहुत ज़्यादा डीले ना हो, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने करीब 1 महीने पहले डाला था और मैंने गाइस इतने टाइम से डाला ही नहीं है वीडियो. दैट्स वाई मैंने अभी मतलब विदाउट उससे किया. ये मेरा शायद से दूसरा अटैम्प्ट है, इससे पहले मैंने अपने TWS से ट्राई किया था पर नहीं हुआ था, उसमें वॉल्यूम अच्छी नहीं आ रही थी इसके लिए. तो फिर गाइस इधर से मैंने बगी उठाई, ले गए आगे. और गाइस पर पीछे से आवाज़ बहुत आएगी, तो कुछ नहीं. इधर से हमने जैसे गाड़ी उठा के हम निकले, ब्रिज पे आ गए हम मिलिट्री बेस से निकलते ही. मार्क द लोकेशन. मेरे टीममेट ने शायद से एक दो बंदे स्पॉट किए हैं, पता नहीं. इधर पहले उतरने को बोला, उसने गाड़ी स्पॉट कर ली होगी या फिर बंदे स्पॉट किए. बंदे पर थे नहीं आगे, इतना मेरे को पक्का पता है. याद है मेरे को यार, मैंने गेम प्ले नहीं बहुत दिन से एडिट कर रहा हूँ, एडिटिंग तो नहीं मतलब वॉइस ओवर की कोशिश कर रहा हूँ. तो फिर मतलब इधर तो कोई बंदे दिखे नहीं, मैंने बोला भाई आगे चलते हैं जोन में क्लोज इन करते हैं. और हाँ गाइज, ये जो कौन सा नंबर 1 है ना, ईगल सुर, तो भाई वो बंदा अभी भी वो सुपरमैन जंप वाली जो ट्रिक थी ना वो कर सकता है, कॉज सारे आईपैड में अभी भी चल रहा है. ये आईपैड वाला बंदा है, ये एक्चुअली एक रैंडम बंदा ही है, पर हमारी थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, इस कारण हम अब मतलब कर सकते हैं, हम सब खेल रहे साथ में खेल रहे, तो हमको पता चल गया है. बाकी ये इस गेम में तो पहले से था, नंबर 1 ने बोला कि पीछे से कार आ रही है. मेरे ये वाले टीममेट, मेरे को तो लगा इधर हम ख़त्म हो गए, हम स्पॉट हो गए. हाँ, हम क्लियरली स्पॉट हो गए गाइस.
फिर उस बंदे ने भाई हमारे टीममेट ने एक ग्रेनेड फेंका, उस बंदे ने भी एक ग्रेनेड और इधर दूसरा ग्रेनेड, मैं लिटरली 10 HP पे बच गया। मैंने बोला भाई पहले तो रिवाइव दे, पहले रिवाइव दे, हाथ लगा। अब इधर ही हमारा नंबर फोर फ्रेंड भाई, वो भी नॉक, भाई चुप रहो, हाँ तो वो भी नॉक। जैसे रिवाइव पे मैंने उसको बोला कि भाई इसको रिवाइव दे दे, मैंने इसका हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोला। अब उसने क्या हुआ वो पता नहीं, वो भी आगे गया, मैं उसको रिवाइव करने गया, मर गया यार। फिर मेरे ग्रेनेड से एक बंदा नॉक हुआ, एक किल हो गया, ईगल सुर जो वो नंबर वन है उसमें भाई ने मार दिया और बैक चेक किया तो खत्म हो गया, इसको वापस नॉक किया, फिनिश कर दिया डायरेक्ट, मतलब वो तो लास्ट बंदा ही था इसके लिए। फिर क्या, इसको रिवाइव किया, फिर आगे थोड़ा गेम्स वेम्स हुए, गेम्स नहीं मतलब गेम ही खेल रहे हम, रिवाइव किया, फिर थोड़ा लूट लिया, हमारे मरे हुए दोस्त की पेटी भी लूटी, और इधर गाइस मुझे मिल गई ग्रोजा, मजा आ गई। सो गाइस फिर इधर हुआ क्या, उस बंदे का डीएम आया, मार्क द लोकेशन, इन गेम डीएम आया, आई वाज लाइक बंद कर दिया भाई, मैंने उसको कर दिया क्योंकि भाई टॉक्सिक हो गया बंदा। अभी हमने एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा, नेड हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। अब मैंने तो उसको सीधा बोला भाई नेड जरूरी था उधर करना, नेड अगर नहीं करते तो अभी शायद से अपनी स्क्वाड पूरी खाली हो जाती। और ईगल भाई को मैंने बोला था वैसे ये करना पर नहीं किया, और हमको इधर आते ही मतलब एक जीप स्पॉट हो गई थी, लेकिन इधर इसके बाद मैंने कुछ और हाँ गाइस आपको कभी कभी लगता होगा मैं गन फायर के पीछे वॉइस नहीं आती कि कब फायर करते और कब नहीं करते, इसकी वजह से मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी नहीं होता है। इसके लिए गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे नए मतलब अच्छे अच्छे एडिटिंग ऐप यूज़ करूँ, काइन मास्टर फ़ोन के एकदम बेस्ट है, हम इसी के लिए भी सीखेंगे यार, फिर थोड़ी और अच्छी एडिटिंग करेंगे, ऐसे थोड़ी ना रहना है हमको यही तो। तब मैंने सोचा कि भाई बंदे स्पॉट कर सकते हैं, तो इस बहाने मैंने सप्रेसर लगा दिया M4 पे और इस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, हाँ दिया दिया दिया, इतना भी नूब नहीं है तुम्हारा भाई, दिया है भाई डैमेज। तो फिर वॉच आउट, फिर इधर से मैंने ये बंदे जी को थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की पर नहीं दिया, मतलब मैं नूब हूँ। अब हमारे ये जो तीन नंबर है वो टोटली रैंडम है, हम तीन बंदे साथ में खेल रहे थे, हम ऑटो मैच मेकिंग ऑफ करने की जगह ऑन कर दिया वापस, अब वो मेरी गलती नहीं है, ये वही चार नंबर की गलती है, ध्यान रखना गाइस, चार नंबर नूब इन चैट, भाई चैट में लिख दो चार नंबर नूब, तभी पता चलना चाहिए उसको। टैप टैप मारे थोड़े, इसको मैंने 6x को नियरली 5x या 4x कर दिया था, फिर मैंने इसी दौरान हमारे ईगल भैया भी नॉक हो जाएंगे, ये देखिए डैमेज भाई भाई भाई, अब ये नॉक, मैं पेड़ के कवर में आया उतनी देर में मैंने देखा कि ईगल भाई को तो गाड़ी के नीचे से पड़ रही है, देखना अभी नॉक होएंगे। इसने भाई ने अभी हेल्थ किट लगाई, अब मेरे को लगा कि भाई अब क्लोजिंग करना ज़रूरी है, आई वॉज लाइक पहले जल्दी जल्दी हील अप कर लेते फिर करते, ये भाई AWM लेके बैठे, मैंने बोला मेरे को दे दे, मेरे पे 6x है, नहीं ब्रो मैं चलाएगा, मैं एकदम पीरो हूँ, निकल गया ब्रो। मैं पहले सोचा था कि गाड़ी के टायर पंचर कर दूँ, पर लेकिन मैंने सोचा अभी जोन में क्लोज इन करना है फिर अच्छे से मतलब वो लेना है, इसके लिए मैंने ऐसे रिवाइव दिया, फिर वो भाई साहब उधर जाके लेट गए, मैंने बोला जोन में क्लोज इन करना है, ना ना जोन में कौन नूब क्लोज इन करते हैं यार, हम तो आउट ऑफ द जोन खेलेंगे, तो मैंने तो बोला तुमको आना है तो आओ, मैं एक बार तुम्हारे ऊपर से ले जा रहा है, आना है आओ, ठीक है ब्रो आ रहा है, वो ऐसा बोला नहीं था, मतलब मैं बोल रहा हूँ आ रहा है फिर। पर ये भाई इसको ऑम चलाने बिल्कुल नहीं आती, अब जितना हम तीन खेल रहे थे ना उसमें सबसे अच्छी स्नाइपिंग मैं ही करता हूँ ऐसा मुझे लगता है, लेकिन देखो आईपैड वालों में क्या है, उनको थोड़ा व्यू का एडवांटेज है,
वो वाइड वाइडर व्यू मिलता है इसके लिए। और जैसे कि गाइस आपको पता ही है, मैंने मेरा डिवाइस अभी चेंज हुआ है। पहले मैं पोको F1 पे खेल के मार्क वीडियो डाल रहा लोकेशन। था, और जो माइनक्राफ्ट और उन सब के थे उसमें तो भाई अपना MI A1 था। प्रमोशन मिल गया। हाँ गाइस थोड़ा हिंदी के शब्द में इधर उधर निकल जाते हैं हम। प्रमोशन मिल गया इसके लिए हम आ चुके हैं हमारे K20 प्रो में। और हाँ गाइस इसको अभी भी मैं बोलता हूँ भाई, ये लिटरली बहुत अच्छा फ़ोन है गाइस। और गाइस हाँ मैं एक सोच रहा हूँ, मैं एक नया वीडियो डालूँगा, बेस्ट गेमिंग, बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग। मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा गेमिंग फ़ोन लाइक पोको F1 वो सब, वो ये और पोको F1 प्योरली गेमिंग के लिए ही है। बट मतलब सारे फ़ोन जो जिसमें कैमरा भी अच्छा हो, सब अच्छा हो। लाइक मेरे फ़ोन में कैमरा है, अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं जो वन प्लस और उनके आईफोन के आते हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जैसे नोकिया का दूसरे फ़ोन होते हैं। 333 में तो कैमरा ही नहीं है। बाकी दूसरे सैमसंग के फ़ोन जो लो एंड फ़ोन होते हैं उसमें मेरे हिसाब से तो K20 प्रो का अच्छा है। और क्योंकि फ़ोटो में क्या प्रोसेसर भी यूज़, फ़ोटो क्लिकिंग में भी तो होता ही है, तो फिर क्या है। तो हमने मैंने तो यही सोचा कि फ़ोटो भी चाहिए अच्छा थोड़ा बहुत। फ़ोटोग्राफी वैसे हम करते तो नहीं है लेकिन ठीक है। पर लेकिन मुझे इसका एक फीचर नहीं पता था मुझे, जो कि था 4K वीडियो, मतलब जो कैमरा कैमरा भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान छूट गई भाई। जो कैमरा से वीडियो हम जो शूट करते हैं ना, उसका है 4K 60 FPS। लिटरली 4K 60 FPS, जो मतलब अभी जो ओप्पो रिनो 5 प्रो 5G आया ना, जो भी है ओप्पो रिनो 5 प्रो 5G जो भी है भाई, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, ओप्पो रिनो 5 5G प्रो ऐसा कुछ है, पता नहीं, ओप्पो रिनो 5 प्रो है और ऐसा कुछ है भाई, अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ इसमें तो। यार उसमें भी 4K है लेकिन 30 FPS है, लेकिन उस फ़ोन की क्वालिटी बहुत Watch अच्छी है out, watch फ़ोटोज out. में। हाँ तो फिर मैंने यही सोचा कि पहले तो ओप्पो रिनो 5 प्रो लेने वाला था मैं, पर लिटरली मैंने थोड़ा रिसर्च किया ना, और मेरे दोस्त के पास भी था ओप्पो का। मैंने देखा भाई उसका OS इतना बकवास है ना, मैंने सोचा भाई ओप्पो कुछ भी कर लूँगा, सैमसंग ले लूँगा लेकिन ओप्पो नहीं लूँगा। सैमसंग का OS एक बार के लिए मेरे को अच्छा लगता है सही में, और सबसे फ्रेंडली OS तो था अपना MIUI, क्योंकि मैं पहले भी पोको में खेल चुका हूँ, उसमें भी MIUI है। MI A1 में भले गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड है, और उससे पहले मैं सैमसंग का ही यूज़ करता था इसके लिए। उसमें भी मैं आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन नहीं बोलते छोड़ो चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप सोच रहे होंगे कि आप पागल है। लिटरली मैंने पबजी शुरू किया था, वो पता है पहले सैमसंग का एक छोटा फ़ोन आता था सैमसंग S2 प्लस, उसमें खेल चुका हूँ मैं पबजी। फिर Note 3 में, MI Note 3 में मतलब। फिर उसकी इसकी भी अलग वीडियो बनाएंगे, जो जो फ़ोन मैंने यूज़ किए पबजी के लिए वो अलग वीडियो। यार दो फ़ोन रिवील कर दिए, अभी बहुत बाकी है। तो इधर किसी ने रिकॉन साइट फेंका था, शायद से ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पॉट भी नहीं हुआ तो अच्छा है। अब इधर से मैं स्पॉट हो गया, मैंने सोचा भाई फटाफट स्मोक कॉल बनाओ चलो। थोड़े भाई टर्माइट गेमर या गेमिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं हम भी। और हाँ मैंने मैं स्काउट भैया ने भी कर लिया है ग्राइंड शुरू, स्काउट ने भी ग्राइंड शुरू कर लिया, तो गाइस पबजी आने ही वाला होगा लगता है बाकी। लेकिन हाँ मतलब टूर्नामेंट्स चालू होने वाली है अभी पबजी की, तो फिर सोल नहीं है उसमें, क्योंकि उनको जब तक परफेक्ट न्यूज़ नहीं मिलेगी तब तक सोल तो नहीं आएगी। अब देखते हैं कि स्काउट कौन सी टीम छोड़ दिया है। तो गाइस देखना मैंने इस बंदे को नॉक वैसे भी, तो फिर हुआ कि मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ पर किसी बंदे ने उसको ख़त्म भी नहीं किया है, लेकिन बंदा भाई लास्ट सर्कल में भी M16 चला रहा है कोई। भाई मैं इतनी मतलब इस टाइम पे मैं इतना पैनिक हो गया था ना लिटरली, भाई ऐसे टाइम पे पता नहीं मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाता हूँ। आप बोलते हो इधर मैंने देखा रिकॉन साइट फेंकी मैंने,
उधर वो बंदा नॉक किया ना, जैसे तैसे नॉक किया, उसको किल चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरा किल निकल जाए। तो फिर यही हुआ, फिर क्या करना था, फिर मैं जैसे बाहर आया कोई बंदा दिखा नहीं, वापस अंदर चला गया, भाई कोई ओपन से मार देगा। लेकिन तुम्हारा भाई लकी निकला इस बार। हुआ क्या, उधर मैंने फ्लैट ड्रॉप का वो देखा, लेकिन भाई बंदे की किस्मत खराब, वो जोन के बाहर है, वो लूटने भी नहीं जा सकता क्योंकि अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। और ये देखो तुम्हारे भाई ने सबसे पहले इधर हगा, मॉली कैसे फेंकी देख लो, और भाई रिकॉन साइट फेंकने की जगह बुक्के मारे दीवार में हम। वो तो चलो पैनिकिंग मोड में हो जाता है। देखो एक बंदा स्पॉट हुआ, इधर से लेफ्ट से फुटस्टेप्स आए, देखा नीचे बंदा, उसने भी मेरे स्पॉट कर लिया, क्रॉजर से थोड़ा डैमेज दिया। किल फीड देखना सिर्फ जो ऊपर आएगा, उससे मैं डर के इधर छुपने मतलब इधर कैम्प करने लगा, मेरे को लगा वो अंधा पुश करेगा, लेकिन ना ना नहीं किया उसने अंधा पुश, तो मैंने भी सोचा इधर आ जाऊँ। अब इधर जैसे ही मैंने देखा एक उस बंदे ने उसको मार दिया, पर मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया था, मैंने वीडियो एडिटिंग में देखा कि उस बंदे को तो उसने मार दिया, तभी तो मैंने देखा इस बंदा भाई ये सांप सांप बन के बैठते ना, इसके लिए यही होता है बीटी। इधर ये बंदे ने भाई क्या ही मारा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।